क्या शादी के पहली नाइट में इज इट कंपल्सरी टू हैव सेक्स? क्या शादी के पहली नाइट में इज इट इम्पोर्टेंट टू बाय लॉन्जरीज और बुक अ होटल? अगर आपके मन में ये सब सवाल है देन प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ब्राइड टू बी रहेंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि शादी के फर्स्ट नाइट में हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना बिकॉज बहुत लोगों को ये हेल्प करेगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई एम वेरी श्योर द फर्स्ट नाइट और सुहाग रात इज हाइप्ड सो मच स्पेशली इन मूवीज। 100% मर्दों को लड़कियों से बस एक ही चीज चाहिए, जैसे वो पोर्ट्रे करते वैसा होता ही नहीं है, वरना तो हमारे कजिन या तो फिर फ्रेंड्स है ही ना। फर्स्ट नाइट के बाद ही मतलब नेक्स्ट डे आके कैसा था पहला रात, डिड यू हैव फन, उफ। चलते हैं, आई होप जो टिप्स दी है वो काम आएंगी तुम्हारे। थैंक यू भाभी, काफी बोर किया आपने। अच्छा सुनो, पहली बार तो आई नो हाउ स्पेशल इज दैट फर्स्ट नाइट आफ्टर द वेडिंग, बट जस्ट गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड दैट द फर्स्ट नाइट इज मोर देन जस्ट सेक्स। लाइक इमेजिन आफ्टर दोज एंडलेस सेरेमनीज, क्लिकिंग 1000 पिक्चर्स, मीटिंग एंड ग्रीटिंग एवरीवन, फाइनली लाइक यू गेट टाइम फॉर ईच अदर, लाइक जस्ट द टू ऑफ यू, एंड इट डजंट मैटर वेदर इट्स लव और अरेंज। What matters is that feeling is very different after the wedding, the first night. ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि लव मैरिजेस में थोड़ा ज्यादा जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं when compared to arranged marriages, because arranged marriages come with a lot of self doubts and questions, and मतलब खुद को काफी सारे वो सवाल पूछते हो, right? And if you come under the shy category, आप सोचते हो किसको क्या पूछूं, कैसे पूछूं? Don't worry, I am here. So मैं like around 7 to 8 points बोलने वाली हूँ and break all the myths and taboos रिलेटेड टू द फर्स्ट नाइट। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ये बात करते हैं कि होटल रूम बुक करना चाहिए या नहीं। तो जैसे मैंने काफी मैरिड लोगों से बात किया था तो उनका सबका यही आंसर था कि हमें बुक करना चाहिए बिकॉज ऑफ प्रिवेसी, एक तो मेन प्रिवेसी रहता है एंड सेम एनवायरमेंट में रहता है ना, तो थोड़ा सा उनको चेंज चाहिए होता है बिकॉज वो आपको एक प्रेशर से हटा देता है व्हेन योर फैमिली मेंबर्स आर देयर, कोई आना जाना रहता है वगैरह वगैरह। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक अ रूम सेपरेटली एंड यू कैन आस्क द होटल पीपल टू डू अ मिनिमल डेकोर लाइक डिम लाइटिंग एंड scented candles and few flowers. I repeat a few flowers because ज्यादा overdo करते हैं ना, हमें उसी bed पे सोना होता है and काफी flowers होते हैं, बहुत irritating and annoying होता है and trust me after all those hectic ceremonies and all you need is good peaceful sleep. So हमेशा मतलब minimal decor. I know कि थोड़े बहुत friends and all भी decorate करते एकदम overdo करते हैं तो उस जगह पे नींद नहीं आती, बहुत annoying हो जाता है। सो ये एक चीज का ध्यान रखना। सो या इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी देन ऑलवेज बुक अ रूम आउटसाइड, वरना सेम ही होटल में कोई टॉप फ्लोर में या जो सबसे दूर वाला रूम है ना वही वाला बुक करना ताकि लोगों का आना जाना कम हो एंड यू गाइज गेट योर प्राइवेसी टाइम, लाइक मतलब जस्ट द टू ऑफ यू। दूसरा बात करते हैं अबाउट एक्सपेक्टेशंस। तो मे बी द गाय और अ गर्ल बहुत कुछ सोच के रखागा कि मेरी फर्स्ट नाइट ऐसी होगी वैसी होगी, तो वो एक पोर्ट्रे करके आते होते हैं एंड सपोज वो मीट नहीं करता है उस वक्त, सो यू डोंट हैव टू फील बैड। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? चाहे अभी वो लड़की होती है एंड शादी के बाद यू नो एवरीथिंग इज ऑल डन एंड शी इज वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू जर्नी विद यू, बट अंदर से ना वो थोड़ा सा इमोशनल भी होती है कि यू नो शी इज लेफ्ट दैट कम्फर्ट जोन पूरा, तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस रन होते हैं उस वक्त। सो वो उनके ही जोन में रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये सारी चीजें ना एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो अगर वो फर्स्ट नाइट पे वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, यू डोंट हैव टू फील बैड एंड जस्ट डोंट डाइव इन टू सेक्स वेदर इट्स अ गाय और अ गर्ल, बिकॉज सेक्स कम्स नेचुरली व्हेन यू आर विद अ पर्सन यू लव। सो एंड ऑल्सो मतलब टेंशन नहीं लेना इफ यू आर नर्वस और एंक्शियस, बिकॉज ये सारी फीलिंग्स जायज एंड मोस्ट ऑफ देम फेस इट, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लेट इट गो विद द फ्लो, बिकॉज योर फर्स्ट नाइट डजंट हैव टू बी परफेक्ट एंड यू नो वॉट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट सेक्स, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट गुड फीलिंग वेयर बोथ ऑफ यू एंजॉय, बस उतना ही है। तीसरा पॉइंट, इज इट ओके इफ यू डोंट हैव सेक्स इन आवर फर्स्ट नाइट? येस ऑफ कोर्स, लाइक मैंने पहले भी बताया जितना ज्यादा मूवीज में वगैरह हाइप किया है उससे काफी अलग है ये चीज, एंड ऑफ कोर्स दे कोई कंपल्शन नहीं है कि इसी मतलब फर्स्ट नाइट में हमें करना जरूरी है। लाइक कभी कभी वेडिंग्स लेट नाइट भी होती है, इतना वेडिंग का स्ट्रेस होता है, ऑल यू नीड इज लाइक गुड स्लीप, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ दैट नाइट यू स्पेंड कडलिंग हगिंग ईच अदर, तो बहुत इट्स ओके। सो यू चूज द राइट मूड एंड राइट सेटिंग वेन यू आर कम्प्लीटली रेडी। फोर्थ पॉइंट, शुड आई शेव डाउन देयर टू लुक नाइस? सो बिकिनी वैक्सिंग इज क्वाइट फेमस बिफोर द वेडिंग एंड आई मीन अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, राइट? अगर आप स्केर्ड हो वैक्सिंग एंड ऑल कराने के लिए, सो यू कैन ऑलवेज शेव और ट्रिम इट। मैंने लाइक कम्प्लीट डिटेल वीडियो बनाया है ऑन हाउ डू यू शेव योर प्यूबिक हेयर लाइक स्टेप बाय स्टेप, इट्स ऑन माई IGTV सेक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो।
सो यू कैन चेक दैट आउट बट आई विल ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट दैट जो भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड है दैट ही इज कम्फर्टेबल सीइंग मी इन बोथ विथ एंड विदाउट हेयर लाइक कम ऑन इट्स नॉट फीजिबल टू शेव एवरी टाइम राइट एंड यू विल हैव टू गेट आउट अ बिट आउट ऑफ योर मतलब कम्फर्ट जोन सो दैट ही इज ओके इन सीइंग यू बोथ विथ एंड विदाउट हेयर एंड हाँ दिस अप्लाइज टू बोथ हाँ बॉयज एंड गर्ल्स शुड आई बाय एनी स्पेशल आउटफिट और लॉन्जरी फॉर द फर्स्ट नाइट आई मीन यू कैन जस्ट टू गेट द फील्स ऑफ द फर्स्ट नाइट और फील सेक्सी ऑफकोर्स मतलब यू माइट बी एग्जॉस्टेड फॉर that night and you can always use those outfits for the coming days. You can buy anything like lacy or satin or good cover-ups but jisse aap comfortable ho. If you buy any outfit which you're not comfortable to matlab dikkat ho jayega usse. And few people na love their pajamas and shorts so ye ek single main comment nahi kar sakti ki aap yehi pehnoge it's again your preferences and your choices aap kis cheez se comfortable ho wo cheez hai. पॉइंट एम्बेरसिंग एंड ऑकवर्ड मोमेंट्स बिटवीन कपल्स मेरे को ना मेरी पूरी वीडियो याद आ गई मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था कभी आपने आपके पार्टनर के सामने फार्ट किया है या कभी आपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हुए पीरियड आ गया मतलब कभी ना कभी आप ऐसा सोचे होंगे कि ऐसा वाला सिचुएशन ना मेरा पार्टनर देखे या सुने सो आज के वीडियो में मैं एम्बेरसिंग मोमेंट्स बिटवीन कपल्स उसमें मैंने सब चीज कवर किया है लाइक मतलब फार्ट साउंड्स व्हेन यू आर हैविंग सेक्स एंड देन बर्ब्स मतलब आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दैट वीडियो एंड यू नो वॉट अगर ये सब मोमेंट्स होते ना फ्यूचर में यही सब आप लोग डिस्कस करके हंसने वाले हो ट्रस्ट मी ऑन दिस 7th one, make sure to have condoms and lubes. It's very important guys, chahe aap sex first time karo ya 100 time. प्रोटेक्शन इज वेरी नेसेसरी एंड लड़कियों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ हमेशा ऐसा नहीं होता कि लड़के को ही ये जिम्मेदारी लेना होता है यू टू कैन टेक द लीड एंड बाय कॉन्डम्स और मतलब यू नो जस्ट टेक मेक द फर्स्ट मूव कुछ गलत नहीं है यार इसमें मतलब लड़कों को तो ये लगता है कि वेन गर्ल्स टेक एन इनिशिएटिव और मेक द फर्स्ट मूव इट्स लाइक अ मेजर टर्न ऑन फॉर देम Lastly, I just want to say the first night after the wedding is too tiring and especially for the girls, make sure that there's someone along with you to remove your safety pins, your hair pins. मतलब इतने सारे हम लोग डाल रखे होते हैं and लड़कों लोगों के लिए निकालना is quite a task because it's not like sorry for my bad singing now but ऐसे ही feel में आ गई थी गाना गाने के लिए and yeah coming back गुड नाइट स्किन केयर इतने दिनों बहुत ज्यादा मेकअप ये वगैरह रहता है यू बी लोडेड विद मेकअप राइट तो डू अ गुड नाइट स्किन केयर इफ पॉसिबल डू अ क्विक शवर वरना वाइप्स लेना लाइक जो भी वाइप्स रहते हैं बॉडी वाइप्स जस्ट वाइप योर सेल्फ ब्रश योर टीथ बिकॉज मेक श्योर दैट यू नो योर ब्रेथ स्मेल्स नाइस यू कैन ऑल्सो स्प्रे सम परफ्यूम और बॉडी मिस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट put any artificial fragrance in your private parts let that be however it is and you can also load your body with moisturizer that's it matlab don't make it complicated just have a good time and congratulations to all the couples whoever is getting married or who got married a very very big congratulations and I know like I mean it's the next chapter of your life bahut hi zyada roller coaster hone wala hai So all the very best. Thanks for watching my video, guys. I hope you guys found this video helpful. If you guys did, then you guys know what to do, right? Like, share, and save it. Because subscribe option nahi hai yahan pe YouTube jaisa. And this is Simran Balajain signing off. Bye, guys.